में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेलविशर कृति। दोस्तों, वीडियो देखकर ही आपको समझ आ गया होगा, आज मैं बात करने वाली हूं पानी के बारे में, यानी वाटर। पानी को आयुर्वेदा में जीवन भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना ही होगा, जल ही जीवन है। इसका कारण है, हमारे शरीर में लगभग 60-70% पानी है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर के अंदर पानी की सही मात्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। आपने अक्सर देखा भी होगा, जो पानी कम, गलत तरीके से या गलत समय पर पीते हैं, उनको बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिनमें से मेन है कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, बालों का झड़ना, पाइल्स, गैस बनना इत्यादि। इसलिए पानी का प्रॉपर इंटेक बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कितना पानी पिए, कब पानी पिए, कब ना पिए, कैसे पिए। तो आज आपको पानी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कितना पानी पिए? दोस्तों, कितना पानी पीना है, इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाई 20। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका वेट 60 किलो है, तो डेली 60 डिवाइडेड बाई 20, यानी 3 लीटर पानी आपकी डेली की नीड है। इसी तरह आप अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना डेली वाटर कंजप्शन निकाल सकते हैं और उतना पानी पी सकते हैं। किस महीने में कौन से बर्तन का पानी पिएं? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि किस महीने में किस बर्तन का पानी पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। एक्चुअल में मौसम के हिसाब से 12 महीनों को 3 भाग में बांटा गया है। मार्च से जून तक, यानी जब गर्मियों का मौसम होता है, तो मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए। जुलाई से अक्टूबर, यानी बारिश के समय पर, कॉपर यानी तांबे के बर्तन का। नवंबर से फरवरी, पूरी सर्दियों में सोने के बर्तन का पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से पानी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मिट्टी और तांबा तो ठीक है, बट ये सोने का बर्तन कहाँ से लाएंगे, वो भी इतनी महंगाई में, है ना? तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बर्तन ले लें, जो नहीं कर सकते उसका भी सॉल्यूशन है। मिट्टी के बर्तन में आप एक सोने की अंगूठी या चैन या सिक्का रात में डाल दें और अगले दिन उसका पानी पिएं। कैसे पानी पिएं? फ्रेंड्स, पानी पीने का सही तरीका भी बहुत महत्व रखता है। ज़्यादातर लोग पानी खड़े होकर ऊपर से एक बार में गटागट करके पी जाते हैं। पानी कभी भी खड़े होकर और एक बार में नहीं पीना चाहिए, नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, इनडाइजेशन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। पानी हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा करने से क्या होगा? आइए जानते हैं। हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए अग्नि जलती है। इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल यानी एसिड होता है, जो नेचुरल तरीके से बनता है। हमारे मुंह में 1 मिनट में 0.5 मिलीग्राम लार बनती है, जो एल्कलाइन होती है, जिसको स्लाइवा भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है, जब एसिड और अल्कलाइन मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, जिसका पीएच लेवल 7 होता है। पानी ना एसिड है ना अल्कलाइन, ये न्यूट्रल है। कहा जाता है, पेट पानी की तरह न्यूट्रल रहे तो ये सबसे अच्छा है। ऐसे लोग सबसे हेल्दी रहते हैं। सिप सिप करके पानी पीने से ज़्यादा लार बनती है, जो पेट में जाकर एसिड को शांत कर देती है। इससे पेट न्यूट्रल हो जाता है। वहीं इसका उल्टा, अगर हम जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो सिर्फ पानी ही अंदर जाएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पानी पिएं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने अक्सर देखा होगा पशु पक्षियों को, वो कैसे धीरे धीरे चाट चाट कर पानी पीते हैं, एक एक बूंद करके। इसलिए ही वो हेल्दी रहते हैं। कब पानी पिएं? अगर पानी सही समय पर ना पिया जाए तो शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। सुबह उठकर पानी ज़रूर पिएं। इसका बेस्ट टाइम है 4:30 बजे, जिसको उषापान कहते हैं। अगर आप इस टाइम नहीं उठते तो जब भी उठें उसी समय पानी पिएं, जिससे हमारे मुंह की लार हमारे अंदर जाए, जिसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, कितना पानी पिएं? तो इसका जवाब है 3 ग्लास फॉर अडल्ट्स, 2 ग्लास फॉर ओल्ड एंड चिल्ड्रन। अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि खाने से पहले, साथ में या बाद में, आखिर कब पानी पिएं? चलिए जानते हैं। खाने से कम 40 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं। अगर आप खाने में 2 अन्न खा रहे हैं, जैसे चावल और रोटी, जैसे ही 1 अन्न खा लिया, दूसरा शुरू करने से पहले, जिसे हम जंक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं, तब पानी ज़रूर पिएं, वो भी
दो से तीन घूंट। खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। इसका कारण है हमारे पेट में अमाशय होता है, खाना सबसे पहले इसी के अंदर जाता है। इस खाने को पचाने के लिए इसमें अग्नि जलने लगती है। जब खाना पच जाता है उसके बाद वो रस में बदल जाता है, फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने तुरंत पानी पी लिया तो वो इस अमाशय की अग्नि को शांत कर देगा, जिससे खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। इससे हमारे शरीर में 103 रोग पैदा होते हैं, जिनमें से मेन है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सर दर्द, पीठ दर्द इत्यादि। ज़्यादा दिन तक सेम फॉलो करने से अल्सर, पाइल्स, हार्ट में पेन और कैंसर तक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी ये मेन कारण हो सकता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिएं। खाने के बाद कम से कम 1 घंटा 40 मिनट बाद पानी पिए, क्योंकि तब तक हमारे अमाशय की अग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना पच जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, फिर खाने के बाद मन है तो क्या पिए, पानी तो पी नहीं सकते। आयुर्वेदा के हिसाब से हम 3 चीज़ों को पी सकते हैं, वो है फ्रूट जूस, छाछ और दूध। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद फ्रूट जूस पी सकते हैं, जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, किसी कोल्ड स्टोर से लाया हुआ बिना मौसम का फल नहीं, क्योंकि अनसीजनल फ्रूट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। छाछ दोपहर के खाने के बाद और रात को दूध। बट अक्सर हम अपने बच्चों को सुबह दूध पिलाते हैं, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसा मैंने बताया, दूध का बेस्ट टाइम रात का है। सुबह फलों का रस हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, इसलिए बच्चों को मॉर्निंग में फलों का रस ही पिलाएं। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद या तेज धूप से आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। चाय, दूध या छींकने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। स्टूल या टॉयलेट एंड जस्ट आफ्टर इंटरकोर्स पानी पीना एकदम अवॉइड करें। कैसा पानी पिएं? पानी से जुड़ी लगभग सारी जानकारी हमने जान ली है, बट कैसा पानी पिएं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रिज का ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीते ही पेट उसे तुरंत गर्म करने में लग जाता है, इसके लिए पेट को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस कारण ज़्यादातर ब्लड पेट की तरफ जाने लगता है और अदर ऑर्गन्स में ब्लड की कमी आ जाती है। अगर हम लंबे समय तक ठंडा पानी पीते हैं तो ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग रेगुलर बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होता है। पानी हमेशा नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर का पिएं, हो सके तो हमेशा गुनगुना पानी पिएं, ये हमें बहुत हेल्दी रखता है और सिर्फ इसे पीकर ही हम खुद को काफ़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। वाटर इज़ द बेस्ट नेचुरल रेमेडी, ड्रिंक राइट वे टू बेटर हेल्थ। तो दोस्तों, ये थी पानी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसे फॉलो करके आप खुद को और अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं और साथ ही बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप इस वीडियो को सभी लोगों से शेयर करें, क्योंकि पानी की सही जानकारी का होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।